ये बताओ हमारी शादी हो रही है नहीं हो रही है? डेफिनेटली हमारी शादी हो रही है, उसके बाद में फिर उसी रात हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक हर एक जगह पे लाइव सुहाग रहे हैं। ये थी दुनिया की सबसे पहली औरत जिसे हर एक बात पर झटके आते हैं। और ये ऐसा क्यों करती है, चलो आज हम इसके दरवाजे की कुंडी खोलते हैं। आ गए सालो, खैर वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, सिंह की काली दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ चूतियों का दिमाग वही का वही है। गाड़ी में गन्ना घुस गया क्या? अब तुम्हें नहीं पता ये कौन है? तो जीवित की हो तुम? जब जब दुनिया में कोई संकट आता है तब तब इसी औरत का हाथ होता है। एक वक्त के लिए मियां खलीफा चूसना बंद कर सकते हैं, लेकिन ये मैं क्या करूँ, तुमने मुझसे झूठी शादी की, तो इसमें धूप में खड़ा होकर रोने की क्या जरूरत है? मुँह के लाल बम मेकअप से भी दिखा सकती है ना तू? अब देखो यार, एक इंसान एक शादी में संतुष्ट होता है, लेकिन ये इतनी बार कोई छोटा बच्चा अपने हगीज न बदलता जितना की अपने पति चेंज कर रही है। इस औरत ने कल ही रात को .com पर मुझे ऐसा वीडियो शेयर किया। पानी पूरा चटाई तू बिछा जा, बाहियां में कसी के सैया मार लो कच्चा कोच 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 कोच। मैं बकरे के लैंड, वो कोई बकरी नहीं है जो तू बिछा जा, बाहियां में कसी के सैया मार लो कच्चा कोच। इसलिए आओ यार www.com सर्च करना बंद करो और बिना सोचते हुए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे नीचे के पांव में जितने बाल नहीं है उतने इसके नशेड़ी रूप है, और उन्हीं में से एक ये। रोशन के आंखें लाने वाला जादू यही है, जिसे चूतियापंती के सिवाय कुछ नहीं आता। लोग चूसा चासी करना बंद कर सकते हैं, लेकिन ये फैशन की गांड मारना नहीं। लोग 150 साल आगे चल जाएंगे, लेकिन इसकी कमजोर बुद्धि वही की वही। ये क्या है? अब मुझे पता चला मोदी जी ने कल रात के भाषण में ऐसा क्यों कहा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। झाड़ से लिपटी हुई औरत को साफ सफाई से इतना प्यार है, ये बुरा हगने मूतने वक्त भी इसके साथ ही जाता, और इसके स्वच्छता अभियान वाला दूसरा रूप। भाई साहब इधर आओ, वॉचमैन भाई इधर आओ, पर यहाँ पे पहन के ये सफाई क्यों नहीं करते हो? आपको मालूम है ये कचरा होगा, यहाँ से कीचड़ होगा, डेंगू आएगा। साले सोरत की पूरी यादाश्त गजनी सोरत की है। इस चूतिया को यही नहीं पता कि असली डेंगू तो ये फैला रही है, जो खुद के साथ लोगों को चूतिया घुमा रही है। एक भिखारी के पास भीख मांगने का काम होता, लेकिन इसके पास चुद्दड़ फैलाने के सिवाय कुछ नहीं है। होगा यहाँ से कीचड़ होगा, डेंगू आएगा, कोलेरा आएगा, मच्छर आएंगे, तुमको काटेगा, मार कौन होएगा? बीमार। मच्छर काटने से सिर्फ डेंगू होता, लेकिन इसकी ऐसी ज्ञान की चूतिया सुनने की वजह से इंसान कोमा में चला जाएगा। अब देखो यार, एक इंसान का जन्म उल्टा सीधा कैसा होता है एक मुझे घंटा नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस औरत का जन्म डायरेक्ट आसमान से सीधा हुआ है। अभी इतने संस्कार भरे हुए बेटा, तुमने कभी रावण नहीं देखा ना? ये तो आओ मैं तुम्हें रावण का 8वां रूप दिखाता हूँ। तुरंत तुम्हारी आँख है ना ऐसे देखने चल जाती है ना तुम्हारे में रावण। अब तक मुझे लग रहा था कि रहमान कीड़े सिर्फ करण जोहर में, असली कीड़े तो इसके अंदर दिख रही है। अगर मैं इसके साइड में होता ना, 8 रुपए के शुशु बाम लगा के आसमान में डायरेक्ट भेज देता, एक वक्त के लिए हगरा बन कर सकता, लेकिन ये चूतिया बंदी करना नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन चूतिया लोगों की बकचोदी शादी। धन्यवाद, एक मिनट, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक सर पे पल्लू ना ले लूँ मैं बात नहीं करती। अच्छा, अब चलो मैं तुम्हें इसका पूरा पल्लू वाला वीडियो दिखाता हूँ। पल्लू का इसमें ये औरत सच में वकांडा के पक्षी का गौमूत्र पीकर आई है, जिसे पीने के बाद एक इंसान का दिमाग इतना तेज भागता कि वो फिर गांड में ऊनी डालने वाले हरकतें करता। इंसान एक वक्त के लिए शर्म समझ के चड्डी लगा देगा, लेकिन ये शर्म समझ के पूरी बॉडी दिखाएगी। हमेशा बोलते हुए देखा है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वुड भी आपसे बात करे और हमारे लफड़े के बारे में बताएं। अब तुम्हें नहीं पता ये कबाब में चड्डी कौन है? नहीं मैं बताता हूँ, ये वही है जिसे सेक्स करना है लेकिन कर नहीं सकता, ये वही है जिसे लड़कियों की ब्रा पहनना है लेकिन अंदर का दिखा नहीं सकता, ये वही है। बेटा इसकी बकचोदी करे या फिर आगे बढ़ेगा बेटू। मेरी झाड़ से लिपटे हुए इंसान का नाम है वकोला। अब इन दोनों भी चूतियाओं का प्लान है, शादी करके हम भी दोनों पच्चा पैदा करेंगे। उसको पहले टीवी पे देखता था, उसके आइटम सॉन्ग्स देखता था, ये मेरे आइटम सॉन्ग्स देखते थे तब इनके खड़े हो जाते थे। अरे तू कहीं ना क्या जाती है, और तुम्हें पता है दिन ब दिन बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ रही है? नहीं। तो वो इसी औरत के कारण है, लोगों को अपनी बातों से ऐसा चस्का लगाती कि वो शोभितो। अब ये बीमारी का उगम इसी औरत से हुआ है, इसे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए सिवाय दो चीजों के, ऑप्शन नंबर 1 लल्लू से छल्लू, ऑप्शन नंबर 2 लल्लू से टल्लू। अब मुझे नहीं पता, जो जो लोग इस आदरणीय पूजनीय औरत का सेवन करते हैं ना, एक बात तो पक्की है ससुरे तुम जिंदगी में अकेले ही मरोगे। ना आगे लो।
तेरा मकसद क्या है? अगर तुम्हें किसी भी एंगल से ये औरत लग रही है ना, शर्मा जी के बिल्डिंग से छलांग लगाने का वक्त आ चुका है। नहीं नहीं नहीं, एक औरत के काम क्या होते हैं? घर में सुख शांति के बाद इज्जत बचाना। लेकिन इसके अंदर रहमान कड़े सीधे दौड़ने की बजाय उल्टे दौड़ रही है, जिसे ये भी नहीं पता कब क्या दिखाना और कब क्या नहीं दिखाना। जो इसकी एक अलग दुनिया है जिसे अपने तरीके से चलाती है। कभी बुरा लगा कर, कभी टैटू दिखा कर। इसे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऐसे अच्छे काम करके भी पेट भर जाएगा। पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। पूरा बोलो आगे और पीछे। नहीं, मैंने अपने सूर्यले कानों से सुना था, इंसान आगे से बंदूक चलाता और फिर पीछे से छोड़ता। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोगों के अंदर कुछ डबल होता, आगे से और पीछे से। इस औरत को ऐसे शब्दों से बहुत एलर्जी है। अगर किसी ने गलती से इसको पूछ लिया, बेटी तेरी शादी हो गई है, मैं तो खुद ही पवित्र हूँ, ऐसी औरत जीवन में सभी को मिलनी चाहिए। कुछ चूतियों का दिमाग एकदम मक्खन जैसा होता, जो कोई इनको सस्ता आइटम दिखा निकल जाएगा बेंचो। आओ मेरे साथ, इसके ऐसे कुछ पवित्र रूपों से मैं तुम्हें रूबरू करवाता हूँ। ऐसी बहुत सी पड़ोसी की बिल्डिंग से छलांग लगा देने वाली वीडियो है जो मैं दिखा नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, यूट्यूब मेरी मारे बिना नहीं रहेगा। चूतिया, नहीं नहीं, मेरे कॉन्डम का फ्लेवर बनाना है, ऊद है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, जितने भी भोपला है, हर टाइप के जो कद्दू भी है, कद्दू भी है, दूधी भी है। अरे बहन की पायल, कोई अपनी चड्डी के साइज बताने में शर्माता? वो तो कॉन्डम का फ्लेवर बता रही है। ऐसे औरत का कोई भरोसा नहीं है, अब अपनी चड्डियों का साइज बता देगी। औरत हो ही नहीं सकती। फिर ऐसी खुल्लम खुल्ला बाबा मार हबीबुल्ला वाली औरत मैंने कभी नहीं देखी। बेटा क्या हुआ, अब देख लियो। इस दिमाग से पैदल औरत को अपनी बातों को शेयर करने में इतना मजा आ रहा जितना मजा किसी को सेक्स के टाइम नहीं आता। तो और इसने इसके साथ मिलकर रात में इतने नशे किए, आज अपनी आंखें काली चश्मे से ढक रखी है कि पूरी दुनिया के सामने हम हमारे शादी का ऐलान करने जा रहे हैं और आप जानकर भौचक्का रह जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे। अभी दोनों शादी में नंगी घोड़ी पर चलने वाले हो क्या तुम? झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे। अगर तुम लोग अभी भी सोच नहीं पा रही हो, ये हक्का बक्का क्या चक्कर है यार, मैं हूँ ना, देख लो। दिखा तेरी चूची, दिखा, मैं कह रहा हूँ तेरे को चूची दिखा, और मेरे मुंह में डाल चूची तेरी, डाल मुंह में डाल। यही दुनिया के सबसे पवित्र इंसान जिसे मुंह में लेना बहुत पसंद है। ऐसा करना इसका जाहिज है, अभी तुमको इसकी सोच नहीं पता चलेगी, क्योंकि हजार साल बाद लोग कहेंगे कि मैं सही था। लवलू चंडे, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, और तुझे हजार साल का पता है? ऐसा ही होता जब कोई बिना पानी डालकर पीता है। अब इस बहन के लवड़ू से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन मुंह में चूची चाहिए ताकि आगे जाकर लोगों को। मैं लड़की कसम खाकर सच बता रहा हूँ, उसे चूची के नहीं बल्कि मर्दानी घोड़े के लड़की आवश्यकता है। अभी हो रही है, उसके बाद में फिर उसी रात हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह पे लाइव सुहाग रहे। ऐसे अच्छे विचार वाले आदमी को मियां खलीफा के साथ जॉनी सिंह के कोठे पर होना चाहिए, ताकि मिलकर लाइव प्रोग्राम कर सके। लोग सुहागरात बंद कमरे में करते, लेकिन ये दोनों देश के पढ़े लिखे लोग, इनका दिमाग बेटा मेट्रो से तेज भागता, ये लोग सुहागरात भी लाइव बनाएंगे। इन दोनों को लाइव काम करने में बहुत मजा आता, क्योंकि उन दोनों के भी विचार गौमूत्र से भी काफी ज्यादा पवित्र है। तो दोनों खुद तो मजे लेंगे, लेकिन दूसरों की चड्डी गीली करवा कर मानेंगे। नहीं बेटा, विचार हो तो ऐसे हो। विचार चाहिए तुझे? बेटा चाची को मत बता यार, दोनों की बात है यार, तू क्या मडाक में चाची को बुला रहा? हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो होता है ना। तू नहीं, ये लोग जो इतने अच्छे विचार रखते हैं। तो बच्चों, ये वही रहमान कड़े हैं जो लेने से पहले तुम्हें देना पसंद करेंगे, अपनी मरवाने से पहले तुम्हें पहले मारने का मौका देंगे। इस दुनिया को ऐसे ही लोगों की ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अब मुझे पांचवी की मैथ से याद है, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती, शर्ट पैंट की टेस्ट होती, लेकिन इन दो चूतियों की जिंदगी इंसानों से बहुत अलग है। ये लोग सुहागरात करना भी लाइव पसंद करते, शादी से पहले डंडा हिलेगा या नहीं हिलेगा उसके भी टेस्ट करते, इतनी चेक इन किसी एयरपोर्ट में नहीं होती जितनी की ये दोनों करते। कुछ दिन बाद बोलेंगे कि हम बच्चा भी पैदा करेंगे टेस्ट के लिए। मेरा मानो तो इन दोनों को यहाँ पर नहीं बल्कि राम रहीम के कोटे पर होना चाहिए। बता भाई, बंजर जमीन में चावल उग जाए। अभी हुए नहीं है पति मेरे, और मैं पवित्र हूँ। कोई इतनी बार नहीं करता जितना कि ये। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। घंटे का पवित्र, एक इंसान घोड़ी चढ़ना बंद कर सकता है, लेकिन इन दोनों से कोई गुजारिश नहीं है। बच्चों, ये इतने ज्यादा पवित्र है कि इसके सामने इंसान का गोमूत्र भी काफी फेल है, क्योंकि इसका मानना जो है मैं पवित्र हूँ। जरा ऐसा मुंह तो देखो, इसके सामने तो रानू मंडल सही है, कम से कम तेरी मेरी तो गाती। इसकी ऐसी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने दो घूंसे मुंह पर लगा दिए। फिर अब रानू मंडल से याद है कि इस पवित्र औरत ने एक गाना भी गाया है, और उसका नाम है, अरे घर के बर्तन घिसना है वो काम कर, नाली का गटर साफ करना है वो कर, और रही बुड्ढा मिलने की बात, इतना ज्यादा गला फाड़ के लोगों के कानों में मूतने की क्या जरूरत है? मिल गया तो उसके साथ कबड्डी खेल या फिर क्रिकेट, इसमें भैंस की तीसरी आंख हमारा क्या फायदा है? हमें बता रही है पागल औरत, तुझे बुड्ढे जवानों की जरूरत नहीं बल्कि मेडिकल टेस्ट की जरूरत है।
फिर बुड्ढा ही भागा है ना, टीवी में ऐड लगा दे, सो लुंडे खड़े हो जाएंगे। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये औरत दिमाग से तो छोड़ो पूरे शरीर से पागल है। ससुर जी पहले क्या बोल रही थी, अब क्या बोल रही? अरे भेड़ बकरी की औलाद, तू कहना क्या चाहती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके पूरे वीडियो में इसने अपने अंडे और गोमूत्र को छोड़कर सब दिखा रखा है। पता नहीं यार इसने स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट ले रखा था जो इसी गानों को प्रेरित करता। 80 साल का बुड्ढा देख लिया तो उसमें तुझे सफेद बाल नहीं मिलेगा। ये तो ऐसी बात हो गई बेटा, मंदिर गए और प्रसाद में मुर्गे का लेग पीस चाहिए। अब तुम क्या इतना दांत निकाल रहे हो बे? हमारा भी भोसड़ी के यही हाल है। मुझे इस दिमाग से पैदल और का कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब बुड्ढे के नाम पर बकचोदी कर रही है। गाने में तो ना बुड्ढे का आता ना पता दिख रहा है, लेकिन बकचोदी चालू है। तो सब मोह माया है। तुम्हें यार मैं इस सर्किट चिड़िया के ऐसे रूप दिखाता हूँ जिससे कभी तुमने देखा भी नहीं होगा। इसके मुँह में ऐसी खुशी झलक रही है मानो अमरीश कुरी को कुश्ती में हरा दिया। तुम सोच रहे होंगे खैर निकालना इनका पेशा है, लेकिन निकालने वालों को किसके दर्शन हुए होंगे? इस चाचा चौधरी औरत को किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर तमाचा जो रखती है। जो कोई नया क्रिमिनल दिखा उसको बिल्कुल ऐसे लोगों को आर्मी ज्वाइन करने की जरूरत है। फिर तुम्हें अपना मोटापा कम करना है ना, तुम्हें मैं ऐसी एक चीज दिखाऊंगा जिसे साक्षात मोदी जी फॉलो करते। मोदी जी आप मुझे अपनी योगा टीचर रख लो, पेट कैसे अंदर करना। तभी मैं देर रात सुबह शाम सोच रहा था मोदी जी इतने फिट कैसे रहती है, तो वो इसकी ऐसी योगा की वजह से। और इस धम्मा बहन को योगा सिखाने की जरूरत नहीं बल्कि खुद का दिमाग ठीक करने की जरूरत है ताकि ऐसे चूचा बना कर सके। अगर मैं इसका और योगा देखता रहूंगा ना, चलो मैं भूल जाऊंगा मैं बोलूं। और यार ये हंसी है मजाक है, किसी को हेड पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। समझे बेटा, वो अपने अंदर के रहमान कड़े दिखा रहे हैं और हम अपने अंदर के। ऐसे भी तुम्हें इसके रहमान कड़े पसंद आए होंगे तो लाइक मारना। टीम करते राकेश सावंत के जितने बंदूक में गोलियां होंगे उतने। मुझे नहीं पता आप कितने हैं, तो अगर यार तुम लोग नए हो ना तो सब्सक्राइब मारो, वही जो नीचे काला वाला सब्सक्राइब बटन है उसके साथ वर्जन टेस्ट करो या फिर आगे का नीचे का मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो मुझे अब लंड में मियां खलीफा निकालने जाना है, बाय।